कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और पैदल ही ठेके पर चले जाते हैं वो लोग जिनके पास में कार नहीं होती। लॉजिक वाली बात है, जिन लोगों के पास में कुछ नहीं होता, कार नहीं होती, जिनको जहां तक जाना है, ठेके वाले लोग हैं जिनके पास में कार नहीं है, बाइक नहीं है, लेकिन पैदल चलकर ठेके तक पहुंच जाएंगे। ये होता है टारगेट टाइमिंग मैनेजमेंट, लक्ष्य तक पहुंचना। चाहे पैदल ही पहुंचना बड़े बंदे हो, लेकिन पहुंचेगा और बिल्कुल एग्जिट टाइम पे पहुंचेगा, 5 मिनट भी लेट नहीं होगा। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लक्ष्य की ओर ध्यान देना। एक हो आप लोग जो रोजाना रोज जा रहे हैं, गाड़ी नहीं कॉलेज कैसे जाऊँ, गाड़ी नहीं है इंस्टीट्यूट कैसे जाऊँ, अरे तो पैदल चला जा। अगर जाना ही है ना, अगर मन में ही है ना, लक्ष्य केंद्रित है ना, उसकी ओर पैदल चला जा, लेकिन चला जा। कहने का मतलब ये नहीं कि आप पैदल चले जाए, कहने का मतलब ये है कि फोकस अपना लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना, अपना निरंतर ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखना, ठीक है, उसमें कहीं चूक नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही आप लोग रोजने रोते रहते हैं ना, कई बार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इतनी सुविधा है, मैं ये कैसे करूँ, जितनी है उससे काम चला ले, जितनी सुविधा तेरे पास में अभी है उससे काम चला ले, उससे आगे निकल जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन रोजने अगर रोने शुरू कर दी तो ये रोते ही रह जाएंगे आप। तो कभी भी आप किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव ना सोचे, नेगेटिव ना रहे, निरंतर लक्ष्य की ओर चलते रहे, जितने संसाधन है उनसे काम चला ले, आगे जाके आप बहुत अच्छा बेहतरीन संसाधन भी उपलब्ध हो जाएंगे, सब कुछ आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन एक बार चलना निरंतर शुरू कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात।